चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो देवा गर्भश्चंद्र सूर्य विलोकना जगन्नाथो लोकनाथ नीलाद्रीश परोहरि सांस्कृतिक विरासत किसी भी देश की अनमोल धरोहर है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। और बात जब भारत की आती है तो यहाँ सांस्कृतिक विरासतों की एक अनंत सूची है जिसे यहाँ के निवासी आज भी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस अनंत सूची में रथ यात्रा का स्थान महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा शब्द सुनते ही आंखों के सामने जय जगन्नाथ के अमृतमय उद्घोष करते हजारों लाखों श्रद्धालुओं की छवि स्वतः ही प्रकट हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल यानी 2023 गर्मी का मौसम अपने चरम पर है, लेकिन बात करें राजधानी रांची की तो यह शीतलता के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार बारिश हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा रही है, पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन से श्रद्धालु अपने आप में आध्यात्मिक शीतलता महसूस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा मेले की। नमस्कार जोहार, मैं आकांक्षा चौधरी स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में। रथ यात्रा में अभी कुछ समय शेष है, तब तक मैं आपको सैर कराती हूँ मंदिर की। कम्बुपाणिः चक्रपाणिः पद्मनाभो नरोत्तमः जगतां पाणको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराजो देवराजः चक्रभूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमः। जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एकांतवास से लौट आए। भक्तों ने उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और आज प्रातः काल से ही भक्त की लंबी कतारें लगी है भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। स्वामी के ये ऐतिहासिक रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के संबंध में ये कहानी है कि रानी गुंडीचा
जो जगन्नाथ पुरी के राजा थे उनकी पत्नी थी, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का स्थापना करवाए थे, उनकी नाम रानी गुंडीचा थी, उनको वरदान दिए थे कि हम हर साल संपूर्ण जगत को दर्शन देने के लिए हम मंदिर से बाहर आएंगे और गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। उसी को सफल करने के लिए प्रतिवर्ष भगवान अपने भक्तों को और दुनिया को दर्शन देने के लिए ही बाहर आते हैं। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अति पवित्र है। 9 दिन तक वहाँ मौसीबाड़ी में रहने के बाद पुनः अपने मुख्य मंदिर में वापस आ जाते हैं। यही रथ यात्रा का समापन है। ये कहा जाता है कि महाप्रभु विष्णु का 8वां स्वरूप जगन्नाथ हैं, जिनको इंद्र दमन द्वारा पुरी में स्थापित किया गया। और ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने 1691 में स्वप्न के रूप में जब उन्होंने स्वप्न आया तो उन्होंने उदयपुर परगना, रांची को पहले उदयपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो उनको इस छोटी सी पहाड़ी में जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर का स्थापना किया और 4 धाम में से 1 धाम की प्रतिष्ठापना यहाँ हुई। मैं कृष्ण मोहन के यहाँ जन्माष्टमी मनाने हर साल मथुरा में रहता था, तो वहीं पे जाता था हर साल मथुरा में जन्माष्टमी मनाने। और यहाँ पे जगन्नाथ भवन की कृपा हुई है कि मैं यहाँ पे आऊँ। और मैं पुरी जाने का मेरा विचार था, मैं जगन्नाथ यात्रा में पुरी जाना चाह रहा था, परंतु मैं किसी मतलब जैसे कि बोलते हैं कि भगवान की इच्छा होती है भगवान नहीं बुला लेते हैं, तो वहीं पर रांची में जगन्नाथ भवन की कृपा हुई और मैं रांची में आ गया यहाँ पर। और मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस मंदिर को जो रक्षा करने वाले लोग होते थे, कोटवारी होते थे, वो मुस्लिम समुदाय के होते थे। जो आज करंज का तेल दिया करते थे वो कोयरी जाति के लोग होते थे। बढ़ई जाति के द्वारा लकड़ी से रथ का निर्माण कराया जाता था। लोहरा जाति के द्वारा रथ को मरम्मती की जाती थी। इसी तरह से सभी जाति वर्ग के लोगों को तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिया गया, ताकि इस मंदिर की परंपराएं और उसके जो पद्धति है उसको बरकरार रखा जा सके। दोपहर का समय है और गर्मी भी अभी प्रचंड रूप में है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में किसी आस्था की कमी नजर नहीं आ रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा जो कार्यकर्ता हैं, सहायक कार्यकर्ता, उनका नियुक्ति की गई है। सुरक्षा गार्ड के रूप में 100 सुरक्षा गार्ड रखे हुए हैं, जो कि तमाम मेला का और मंदिर परिसर के सुरक्षा में रहेंगे। ये रथ पूरी तरह से सजकर तैयार है, श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर बाद ही ये
रथ जो है मौसीबाड़ी की ओर प्रस्थान करेगी। हम लोग कुशवाहा परिवार कीर्तन मंडली गुड़ू रातू से हैं, जो पूर्वज जो जिम्मेवारी कर रहे थे, तो पूर्वजों का जो भगवान को ढोने काम देव स्नान से रथ यात्रा से घूरती रथ तक भगवान को ई मंदिर से रथ ले जाने चढ़ाने का काम, वहाँ से मौसीबाड़ी में मंदिर पे ले जाने का काम, और वहाँ से घूरती रथ जब लौटेंगे तो ई मंदिर तक लाने का काम, भगवान को ढोने का काम पूर्वजों से कर रहे हैं। वो जिम्मेवारी हम लोगों को मिला, हम लोग नौजवान लोग भी वो काम अभी तक कर रहे हैं अच्छी तरह से। Thank you.
इस वर्ष जो रथ यात्रा है उसमें सबसे सुंदर चीज और ये सुंदरता और आकर्षण का केंद्र हमारा रथ होता है। इस बार रथ को फिर से 5 फीट ऊंचा किया गया है। पूरी के लोग दिन रात लगकर उसको आकर्षित बनाने के लिए अभी भी पेंटिंग, फूलों से सजाना, पूरी से आए हुए कपड़ों से रथ को सजाना, घंटियां लगाना, ताकि महाप्रभु जब चले तो घुंघरू की आवाज़ की तरह घंटियां बजे और महाप्रभु अपने मौसी के घर जाएं। और इसी के साथ जो रस्सी आई है इस वर्ष वो भी पूरी से आई है, जो पूरी के रथ में कभी रस्सी टूटता नहीं है, या वही परंपरा है कि यहाँ पर भी हम लोगों ने इस वर्ष रस्सी ऐसी रखी है कि टूटे नहीं और श्रद्धालु लोग आराम से खींचते हुए महाप्रभु का जयकारा लगाते हुए मौसी बाड़ी को पहुँचे। सभी से इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जो अपने मासीबाड़ी की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में श्रद्धालु इनको खींच रहे हैं। हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं और यही हमारी भारत देश की पहचान है। मेले में सजी बाजारों को आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लगी है पारंपरिक वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र और घरेलू सामान जो श्रद्धालु अपने अनुसार खरीद रहे हैं।
10-12 साल से आ रहे हैं। इसको ढोलक बोलते हैं, ये लकड़ी का है, बना हुआ है, लेदर है। ये हम लोग 250-300 में बेचते हैं। ये आपका चदरा का है, चदरा का लेदर का है, फाइबर का भी आता है, वो हम लोग 350-400 में बेचते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं ढोलक। ये मंदिर में बजता है, अच्छा डिमांड यहाँ का है बाज़ार में, तो हम लोग हर साल ले आते हैं। आने वाले वर्ष होंगे उसमें बहुत सुंदर होगा, जैसे आम भक्तों के लिए रहने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण होगा, आम श्रद्धालुओं के लिए हॉस्पिटल होगा, वाहनों का इंतजाम होगा जो इको फ्रेंडली होंगे। हम लोग जो भी यहाँ से जो भी कचड़े जो होते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल करते हुए हम लोग गैस के भी उत्पादन करेंगे। हम लोगों के द्वारा जितने भी वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो उसको भी थोड़ा सा कम करने का हम लोगों का इस वर्ष भी प्रयास रहा है कि मंदिर के प्रांगण में कम से कम अगर बत्ती जलाने का काम किया जाए ताकि धुआं से कोई किसी को सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे। मैं पहली बार बाबा जगन्नाथ के दर्शन हेतु यहाँ धुरवा में आया था। मैं काफ़ी ऊर्जावान और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ काफ़ी बड़े संख्या में श्रद्धालु आए हैं, मेरे जैसे काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। यहाँ तरह तरह के पकवान, साथी साथ पारंपरिक वस्तुएं मिल रही हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे जैसे सभी श्रद्धालुओं का जीवन में कल्याण हो, साथ ही साथ भारत देश का उन्नति हो। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ स्वामी जगत के नाथ हैं, जैसा उनका नाम है उसी तरह से उनका काम भी है। अपलक आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी का जो आँख है वो दूसरे सभी का आँख से अलग है। इनका आँख गोलाकार में है और उनमें पलक नहीं है, ये पलक झपकते नहीं हैं, इसलिए जगन्नाथ स्वामी जगत के नाथ सभी को संदेश देते हैं कि हम लोग भी कोई अच्छा करें, एक साथ मिलजुल करके सब कोई रहें, यही इनका मुख्य संदेश है। क्योंकि वो अपने पत्नी को नहीं ले जाते हैं साथ में, बहन को और भाई को साथ में लेकर के चलते हैं, ये भी संदेश है कि लोग एक साथ मिलजुल करके अपने काम का निर्वाह करें। जय जगन्नाथ। आज के इस कार्यक्रम के हम अंतिम पराग पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मासीबाड़ी की बात कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी अब से कुछ ही देर में मासीबाड़ी पहुंचेगी, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा यहां पे 9 दिनों तक विश्राम करेंगे, उसके बाद अपने धाम को लौट जाएंगे। इसी के साथ मुझे यानी आकांक्षा को और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जोहार।